सत श्री अकाल सारे वीर भरावान, उम्मीद करदा सारे वीर भरा ठीक होणगे। साडे चैनल दे स्वागत करदे आ। उम्मीद करदा ठंड तो जो है बचे हुए होंगे। इस वाली वीड दे विच कबड्डी दा टॉप दा जाफी हुण जो है काफी दिनां तो नहीं खेड रहा, ते जो है दर्शकां नूं वी कि कदों जो है वह खेड ग्राउंडां विच खेडण लग जाएगा फिर, क्योंकि जो उंदा खेड नहीं रहा। लगभग काफ़ी वीर मैच ही नहीं देखते। शीलू हरियाणे वाल दी मैं गल कर रहा, जिस दे कि वड्डे रिकॉर्ड बनाए हुए आ, वड्डे वड्डे जो है मैचों के विच सिरे की टक्कर आप ही जो है कल्ला ही एक पासे जाफी बन जाता, बाकी टॉप के दो रेडर लै लैंदा ते टॉप की परफॉर्मेंस दिखाउंदा। लगभग जिथे खेडदा लगदा बेस्ट जरूर बन की कोशिश करता हुंदा ते फाइनल मैच के विच भी टीम नूं पहुंचाउंदा। अजकल उसकी एक वजह जरूर आ, क्योंकि उसने दस्या कि 9-10 दिन मैं हजे नहीं खेडदा। मिलके का टूरनामेंट आ रहा थला दे विच, पहला कप उस कप ते ही सीधा मैं लगता वापसी करूँगा। हुण तुहानू काफ़ी दिन नहीं देखने को मिलेगी गेम शीलू दी, तां करके बहुते ही वीर पुछदे हुंदे सी क्यों नहीं खेड रहा। एक जो है गोडे की भी प्रॉब्लम शीलू की चल रही है, तां भी नहीं खेड रहा। अमरीक बाई ने भी दस्या सी ते शीलू ने भी दस्या सी कि मेरा हजे गोडा भी ठीक नहीं। उन्हूं जो है पिछों आने के टूरनामेंट से जिन्ने मर्जी पैसे उसनों देंदे सी, पर शीलू कहना मेरे जो है हजे शरीर ठीक नहीं है, तां करके जो है हजे नहीं खेड रहा। बाकी 9-10 दिन तक शीलू फिर वापसी कर देवेगा। तो ये एक जरूरी वजह सी, काफ़ी दिनों तो हुण रेस्ट करूँगा, मेहनत करदा हर रोज़ सवेर शाम नू, ते हुण जो है जल्दी वापसी करूँ फिर। ते बाकी ये तुहानू वड्डी जानकारी देनी सी, बहुते वीर कहिंदे हुंदे आ शीलू क्यों नहीं खेड रहा, यही जो है कारण सी। असीं मिलदे आ नवीं वीडियो च। नवे आए हो चैनल दे सबसक्राइब भी कर लियो। धन्यवाद।